Hello everyone, I welcome you all in today's class. Today we are going to continue our chapter 2 of business studies, that is principles of management. In our last class we have studied about the definitions of principles of management and its objectives and importance. Now today we are going to continue our chapter and we will study principles of management. Before studying principles of management, we will study its history, that how these principles came into existence. These principles of management were given by Fayol. Henry Fayol was born on 29th July 1841 in France. जो हमारा Henry Fayol है, जिसने हमें 14 principles of management दिए हैं, वो Henry Fayol था और उसका birth 29 July 1841 को France में हुआ था. He started working as engineer in a coal mining company. उसने as an engineer एक कंपनी में काम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो कंपनी जब उसने ज्वाइन की थी उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी, तो उस कंपनी जो थी वो इनसॉल्वेंट थी, उसकी काफ़ी बुरी हालत थी. तो जब लीडरशिप किसकी आई, Henry Fayol की आई, तो वो कंपनी हाई लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच गई. उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए, उसने सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, जो भी मैनेजरियल टेक्निक्स थी उसकी कंपनी को अच्छी सिचुएशन में लाने के लिए उसने हर एक चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट किया. और उसने उस कंपनी में 30 साल बाद वो रिटायर हुआ वहाँ से, और उसने उस कंपनी का जो बैकग्राउंड था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जिस वजह से वो किस चीज़ के लिए फेमस हुआ, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स. उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. उसकी फिर ये सारी चीज़ों की वजह से उसकी कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आई, जिसके लिए उसको आज हम, जिसकी वजह से हम आज 14 प्रिंसिपल्स भी पढ़ रहे हैं, या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स. उसने क्लियर कर दिया कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में क्या डिफरेंस है. ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट डीसी, जिसको हम आइडेंटिफाई करके चलते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी किसने दिए थे, Henry Fayol ने दिए थे. ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वर्क एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज. जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, वो सारी एक्टिविटीज हमें कौन बताता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं. और वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर कौन है, Henry Fayol. तो अब हम लेट्स स्टार्ट आवर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सी, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस डिवीजन ऑफ वर्क आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, टेक योर ओन स्कूल. आपके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स होंगे, ठीक है, जो टीचर्स स्कूल में अवेलेबल है. अब आपको जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर फिजिक्स भी पढ़ा पा रहे हैं? नहीं. जो टीचर आपको अकाउंट्स करा रहे हैं, क्या वो केमिस्ट्री करा रहे हैं? या जो केमिस्ट्री का टीचर है वो आपको बिजनेस स्टडीज आकर करा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक पर्सन अपने अपने सब्जेक्ट में क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है. तो इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग उनको क्या दिया गया, काम दिया गया, टास्क दिया गया. तो हर एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को तो नहीं पढ़ा सकता. या अगर हम कहें कि एक ही टीचर स्कूल में रख लिया गया और वो हर एक क्लास में जाके पढ़ा रहा है, इज इट पॉसिबल दैट ऑल द वर्क कैन बी डन through one single person, only single person can handle all the classes? No, it is not possible. तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, division of work, कि हमने उसके लिए number of persons रखे हुए हैं जिनको हम small units में divide करते हैं, उनकी capability के according, उनकी qualification के according, उनके experience के according, और वो उस काम को उसी के according कराते हैं. तो हम इसको क्या बोलते हैं, work must be divided into small units, कि single person, only one person can't handle all the business institution, so we need small units or we need number of persons who will do the work. Work must be divided according to the capability. अब हम जिस, देखो, economics वाले teacher को chemistry नहीं दे सकते कराने के लिए, तो हमें economics वाले को economics ही देनी पड़ेगी. कैसे पता लगेगा कि वो economics का ही teacher है, उसकी qualification से, उसके experience से, उसकी capability से. If work is repeated by a worker, he become works perfect specialized. जब देखो, एक ही काम को एक person बार बार करेगा, repeat करेगा, तो उसकी improvement होगी, वो उस काम में क्या हो जाएगा, skilled हो जाएगा, specialized हो जाएगा, उसकी specification हो जाएगी उस काम के अंदर. All the tasks, whether technical, देखो सिर्फ factory works नहीं,
उनको उसके अलावा हमारे जो टेक्निकल वर्क्स हैं, मैनेजरियल वर्क्स हैं, स्किल जॉब्स हैं, सबको हम उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? ऑल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दो स्मॉल यूनिट्स मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स। एंड वर्क इज इफ वर्कर्स आर रिपीटिंग देयर वर्क दे विल गेट परफेक्ट इन देयर स्पेशलाइजेशन एंड ऑल द टास्क वेदर दे आर टेक्निकल, मैनेजर एंड skill related all should be divided according to their skills, qualification and experience. देखो अब इसका positive effect क्या होगा जब हम work में अपने principle of management कौन सा division of work को लाएंगे? specialization. देखो हर एक person जो specialized होगा उसको वो काम दिया जाएगा, जब उस काम को वो repeatedly करेगा तो उसकी efficiency क्या हो जाएगी? improve हो जाएगी. next है consequences of violation. अगर हम इस division of work को adopt नहीं करते तो उसके consequences, उसके results क्या आएंगे वायलेशन के, मतलब अगर हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करते? लैक ऑफ एफिशिएंसी, उन वर्कर्स में एफिशिएंसी नहीं होगी, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर मैं बोलूं जो केमिस्ट्री का टीचर है वो तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स वाला भी जाके केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा या नहीं? एक ही दो पर्सन एक ही काम को लगे हैं जबकि वो दोनों पर्सन को अलग अलग काम करना चाहिए। तो अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर चलते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले मीनिंग पढ़ते हैं, होता क्या है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, पावर देना कि वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके बिजनेस से रिलेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन टू कम्प्लीट द असाइन जॉब ऑन टाइम, मतलब जो वर्कर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको काम कम्प्लीट करना है अपने जो उनको टाइम दिया गया है। और अथॉरिटी टॉप लेवल पे होती है जिनको क्या करना होता है, अपने डिसीजंस देने होते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं और क्या करना होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल लोअर लेवल को क्या प्रोवाइड करता है? अथॉरिटी कि उन्होंने क्या क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं। और लोअर लेवल का क्या काम है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज के लिए? वो आंसरेबिलिटी होती है उनकी, कि उनको अकाउंटेबिलिटी, कि उनको हर एक चीज के लिए आंसर देना होता है कि उन्होंने काम किया या नहीं। देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए। मीन्स जैसे हम एक कॉइन को बोलते हैं, एक कॉइन की टू साइड्स होती हैं, हेड और टेल दोनों बराबर चलते हैं, उसी तरह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर चलना चाहिए। अगर इनमें इम्बैलेंस आ गया, अगर डिसबैलेंस हो गई है, तो हमारे जो वर्क है वो क्या होगा, उस पर नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, उस पर जो इसका इम्पैक्ट है वो एडवर्स हो जाएगा। तो देखो अगर हमारी अथॉरिटी एक्सीड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर हमने अथॉरिटी ज्यादा दे दी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रख दी, तो इसके क्या होंगे? नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर इसका रिवर्स, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी अथॉरिटी कम दे दी, तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरबर्डन हो जाएगा, काम ज्यादा होगा और अथॉरिटी कम होगी तो ओवरबर्डन हो जाएगा। सेफगार्ड मस्ट बी देयर अगेंस्ट मिसयूज ऑफ मैनेजरियल पावर। अगर हम अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हैं तो उन लोगों के पास अथॉरिटी होगी, वो क्या करेंगे, अपनी उस अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम बिजनेस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आ रहे हैं? नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर चलेंगे तो कोई मिसयूज नहीं होगा। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट डिले। जो हमारा काम है वो क्या होगा? टाइमली कंप्लीट होगा, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में डिले नहीं होगा, हर एक काम हमारा, हर एक टास्क ऑन टाइम कंप्लीट होगा। कंसिक्वेंसिस ऑफ वायलेशन, अगर हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिले इन वर्क, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल नहीं रही है, काम डिले होगा। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो उसका मिसयूज होगा। ओवरबर्डन इफ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो ओवरबर्डन होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो सपोज एक्स एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको बोला कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? अब उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमने टास्क दे दिया कि ही हैज टू प्रोड्यूस 1000 और 100 यूनिट्स, ओके? बट हमने उसको अथॉरिटी तो दी ही नहीं कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करे, ना हमने पैसा दिया उसको, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली कंप्लीट कर पाएगा?
No, it is not possible. Why it is not possible? Because he does not have the authority to purchase the raw material. But he has been given a responsibility. So to complete the responsibility, he need to have some authority even. अगर उसको authority नहीं मिलेगी, देखो authority और responsibility match नहीं कर रहे, अगर ये match नहीं करेंगे, now condition क्या है? Responsibility is greater than authority. अब responsibility क्या? Excess of responsibility with less authority results in non-completion of job. अब ये completion of job तो होगा ही नहीं, delay in work होगा, non-completion of work होगा due to less authority. क्लियर इट इज. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन देखो, आप लोग स्कूल में भी जाते हो है ना, वहां पे भी डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो हर एक जगह पे डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट डिसिप्लिन हम किसी भी काम को नहीं करा सकते. तो डिसिप्लिन क्या होता है? फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट. हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. किसके अकॉर्डिंग? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. देखो, एम्प्लॉयज ने एक एग्रीमेंट साइन किया होता है बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, अपॉइंटमेंट लेटर साइन करते वक्त उनका एक एग्रीमेंट साइन होता है. तो उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज को, मींस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बोथ आर नोइंग अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस. इट मींस कि दोनों साइड्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा उसके लिए. मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो. सपोज जो टॉप लेवल है उसने क्या किया, रेमुनरेशन सेट करते वक्त एम्प्लॉय को बोला कि हम आपको कमीशन देंगे या बोनस देंगे. इट मींस उसने कमिटमेंट करी है. और लोअर लेवल ने, जिस वजह से उसको, उसने लोअर लेवल के साथ ये कमिटमेंट करी थी कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे. अगर वो अच्छे से काम कर रहा है और टॉप लेवल मना कर देता है उस चीज के लिए, अब वो क्या बोल देता है कि मैंने तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं था. इट मींस डिसिप्लिन नहीं है वहां पे, लोग काम अच्छे से नहीं कर पाते. उसके लिए जडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, अगर वो उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज होती है जडिशियस, जिसके लिए वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं. तो देखो, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. So see, if we are following discipline, so what will be the positive impacts on the institution? Systematic work. हर एक work, जो every work will be done according to the system. एक system के according काम चलेगा, improves efficiency. सब लोग अच्छे से काम करेंगे तो उनकी efficiency क्या होगी? Improve होगी. Consequences of violation, अगर वो इसके against जाते हैं तो क्या होगा? Disorder. कोई order में काम नहीं करेगा. हर एक person अपनी मर्जी चलाता होगा, तो किसी तरह कोई same काम को हो सकते हैं, एक काम को 10 जने मिलकर भी कर रहे हो या एक काम को 2 जने अलग अलग तरीके से कर रहे हो, तो कन्फ्यूजन होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और काम में डिले आएगा. इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं. देखो, चाहे एम्प्लॉयज हो चाहे एम्प्लॉयर्स हो, बोथ नीड टू कमिट देयर कमिटमेंट्स. मीन्स दे बोथ हैव टू फॉलो द कमिटमेंट्स और एग्रीमेंट्स वॉट एवर दे हैव साइंड. अगर सुपीरियर है, उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट करी है कि वो इंक्रीमेंट लगाएंगे, प्रमोशन देंगे, वेज रिविजन करेंगे, सो दे हैव टू फॉलो. और अगर एम्प्लॉयज ने कोई कमिटमेंट करी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवली और एफिशियंटली काम करेंगे, सो दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम कमिटमेंट. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. दिस इज आर फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर्स आर गिवन. यूनिटी मीन्स यूनिटी होनी चाहिए जब हम ऑर्डर्स दे रहे हैं. क्या करें? ऑर्डर्स मस्ट बी गिवन बाय ओनली वन बॉस. एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो क्या देगा? ऑर्डर्स देगा. ऐसे नहीं कि एम्प्लॉई एक लेकिन उसके बॉस 3-4 हैं, तो तीनों अलग अलग अपने क्या देंगे? ऑर्डर्स देंगे. तो अब उसको समझ नहीं आएगा कि वो कौन से बॉस का ऑर्डर फॉलो करे और कौन से का नहीं. शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर. अब उसको आंसर तो तीनों बॉस को देना है, उन तीनों ने काम दिया, लेकिन टाइम तो लिमिटेड ही है. अब वो कैसे करेगा? तो इसलिए यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड अवेलेबल नहीं है. शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर, कि वो जो आंसरेबल है वो भी एक सिंगल सुपीरियर को होना चाहिए. अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉसेज होंगी तो ही विल नॉट एबल टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, ही विल नॉट एबल टू फॉलो देयर कमांड, ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन. सो इफ ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स ही इज नॉट डूइंग हिज टास्क ऑन टाइम, तो काम कंप्लीट नहीं होगा. सी, तीन बॉस हैं, ठीक है,
और ये एम्प्लॉयज हैं, ये सब लोग एक दूसरे को, ये सब ये तीनों जने मिलकर इन चारों को ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब इन लोगों को देखो, इसको तीन ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको भी तीन ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको भी तीन ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको भी तीन ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो तीन ऑर्डर्स आ रहे हैं, तीनों के कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे, तो ये लोग क्या होंगे, बेचारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ आएगी। सी दिस, ओनली वन बॉस, ओनली वन सुपीरियर, और एक ही डायरेक्शन आ रही है। अब ये लोग इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, डिसिप्लिन भी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई किसी बॉस के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, नो कन्फ्यूजन, अब उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज सिंगल बॉस है, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होगी, और सब लोग इफेक्टिवली काम करेंगे। और अगर ये जो तीन बॉसेस वाली आपको रोंग वाली डायग्राम दिखाई गई थी, अगर ये उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इट मीन्स क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही विल गिव एक्सक्यूजेस। वो क्या देगा, एक्सक्यूज देगा कि मुझे उसने ये काम दे दिया था, मुझे उसने ये काम दे दिया था, उस वजह से वो अपना राइट टास्क, वो क्या सब कामों से पीछा छुड़ा के इधर उधर टाइम पास करेगा। ईगो क्लैशेस भी होंगी और बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड हमने अभी पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि वन बॉस एंड वन ऑर्डर। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए क्या है, वन यूनिट वन प्लान, उसके लिए था वन बॉस वन ऑर्डर, ये है वन यूनिट वन प्लान, कि एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए। सपोज बिजनेस के कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। अब देखो, सपोज डिपार्टमेंट जो है कारपेट बनाने के हैं, एक हैंडमेड कारपेट बनाता है, दूसरा मशीन मेड कारपेट्स। अब देखो, दो यूनिट्स हो गई, अब दोनों के लिए सेम प्लान अगर चलें तो डायरेक्शन देखो, दोनों के लिए अगर हम सेम एम्प्लॉयज से काम कराएं तो उनको काम करने में कन्फ्यूजन होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हैंडमेड कारपेट्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन, मशीन मेड कारपेट्स के लिए अलग एम्प्लॉयज, अलग प्लान, अलग सब कुछ होना चाहिए। तो ये क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि जो हैंडमेड वाले होंगे वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उनको, मशीन मेड वालों को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मीन्स उनका गोल अलग होगा, उनका गोल अलग होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स वन यूनिट वन प्लान, एक यूनिट है तो उसका एक प्लान, दूसरी यूनिट है तो उसका अलग प्लान। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन टू अचीव द कॉमन गोल, उनको एक ही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट कर सके। देखो इस डायग्राम में ये जो रेड वाला है ये बॉस है, और जो ब्लू वाले हैं इसके एम्प्लॉयज हैं, वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि इस तरफ जाना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं वो भी अच्छे से सक्सेसफुल होंगे, किस लिए, टू गेट यूनिफाइड इन ओनली वन डायरेक्शन। अगर उन्हें पता है कि हमने इस बॉस के अकॉर्डिंग काम करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो अगर डायरेक्शन के लिए कन्फ्यूजन होगी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर जाना है, तो वो लोग काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। जब उनको पता है कि हमें साउथ की तरफ जाना है, तो वो लोग अच्छे से अपने जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। कंसिक्वेंसिस ऑफ वायलेशन, अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को नहीं लेते तो क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, उससे क्या होगा, गोल्स को अचीव करने में डिफिकल्टी आएगी। ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे पांच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।